हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट विथ ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस वीकली चार्ट बस्टर सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीकली चार्ट बस्टर एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं एवरी वीकली बेसिस पे आप लोगों के लिए एक या दो स्टॉक लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप से मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं। उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज डिविज लैबोरेटरीज। इस पर्टिकुलर स्टॉक को लाने का देखिए यहाँ पे सिंपल रीजन है। इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, एक बार को वीकली पे लेके चलते हैं और मैं आपको चीजें दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। इन चीजों को आप ध्यान से समझिए। प्राइस देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, चीजों को आपको ब्रॉडर पिक्चर समझाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे लाऊंगा। ठीक है, इस चार्ट को यहाँ पे देखिए चार्ट कैसा जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, आई थिंक अगर आप लोग मुझे प्रॉपरली देखते हैं, मैंने दो दिन पहले आपको बताया था कि जो भी स्टॉक मल्टीबैगर होगा ना वो इस तरीके से चढ़ेगा। किस तरीके से चढ़ेगा? इस तरीके से चढ़ेगा। ठीक है, और जो स्टॉक में स्पेकुलेशन होना होगा ना वो ऐसे सीधे चढ़ेंगे, फिर ऐसे गिरते भी ऐसा सीधा है, फिर ऐसे एक साइडवेज एरिया बनाते हैं, फिर ऐसे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझिए कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ना, ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में बताऊंगा। इस वीडियो में जो भी चार कंपनीज में बताने वाला हूँ सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और सारे ही मार्केट के कहीं ना कहीं लीडर है। ठीक है, एक स्टॉक है जो थोड़ा सा लीडर नहीं है बट उसके फंडामेंटली अच्छे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इस चीज को देखिए, ये स्टॉक क्या कर रहा है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं, ये देखिए ये हो गया हमारा एक ट्रेंड लाइन का एरिया। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट कर देता हूँ। यस, अभी अगर आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर रहा है। देखिए, ये एक ऐसा एरिया था 2008 से जहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यूअसली रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे आया, फिर रिजेक्शन दिया, फिर आया, फिर रिजेक्शन दिया, फिर आया, फिर रिजेक्शन दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने बहुत यूट्यूब देखा है, बहुत वीडियोज देखे हैं, इतनी प्रिसाइज चीजों को अगर आप सिंपल तरीके से नोटिस कर पाओ, क्या इससे बेटर कुछ है? अगर आप मुझसे पूछो यहाँ पे बाई करके, सर मुझे नहीं पता मुझे सेल कहाँ पे करना है, मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू आपको बता दूंगा आपको सेल कहाँ पे करना है। उसके बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक और ऊपर जाएगा वो अलग बात है। ठीक है, मैं आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू बता दूंगा सेल कहाँ पे करना है, ट्रेंड लाइन के थ्रू बता दूंगा सेल कहाँ पे करना है। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को मार्क करने का रीजन ये है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट भी था। मैंने अक्सर बोला है कि मंथली टाइम फ्रेम का अगर ब्रेकआउट होगा ना, ये छोटे से रिटेस्ट में काम नहीं बनता। प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आएगा, एक बड़ा रिटेस्ट करेगा वो। ठीक है, बड़ा रिटेस्ट करेगा और उसके बाद देखिए प्राइस अभी यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है। मैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ और इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। ये पर्टिकुलर चार्ट अभी इस तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? ये देखिए, इस तरीके से कुछ यहाँ पे प्राइस राउंडिंग कर्व बनाता हुआ निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, राउंडिंग कर्व बनाता हुआ अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से निकलता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक कहां तक जा सकता है, चीजों को समझता है। पहला मैं बता दूं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का चार्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है और फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी धीरे चलते हैं, तो आप इस चीज को पहले से दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, बट ये चार्ट मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया। देखिए, ये इसका एक एरिया है 5422 का। प्राइस देखिए अभी यहाँ से फॉल इसने कितने परसेंट का करा था, इसने फॉल करा था यहाँ पे 50% के आसपास का। मैं 50% ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता हुआ दिख जाऊंगा। ये हो गया हमारा यहाँ पे एक एरिया, इस एरिया पे मैं एक लाइन मार्क कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अभी अगर आप इस एरिया से देखें तो ये कितने परसेंट मूव कर सकता है मेरे हिसाब से राउंडिंग कर्व के अकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज मिनिमम। ठीक है, अभी मुझे पता है कि इसने मंथली टाइम फ्रेम का देखिए जो हमारा ट्रेंड लाइन था कंटिन्यूअसली चला आ रहा था, प्राइस ने रिक्लेम किया, ब्रेकआउट किया, रिक्लेम किया, रिटेस्ट किया और एक बार रिटेस्ट किया और अभी ये रेडी हो रहा है ना। तो मेरा मिनिमम टारगेट अगर मैं बताऊं ना तो यहाँ से मिनिमम ये 11,000 जाएगा, 10,000, 11,000 जाएगा। बट मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से टारगेट्स वगैरह बता रहा हूँ। ठीक है,
मैं अगर ये सच बताऊं तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट है मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं आपको स्विंग के दो टारगेट दे दूं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो होगा हमारा 4790 के आसपास चल रहा है। पहला टारगेट अगर मैं आपको दूंगा 5422 का रख सकते हैं। सेकेंड टारगेट अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो वो होगा हमारा यहाँ पे 6000 के आसपास का। यानी कि अगर दो स्विंग के टारगेट मैंने आपको यहाँ पे दिए तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 26% तक का एरिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आपको इसके एक बार के फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। चलिए इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं। ओके, देखिए डिविज लैबोरेटरीज है यहाँ पे, ये कंपनी जो है 1,27,175 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं इसमें क्या ही बताऊं, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 79.3 के आसपास का, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35.8 के आसपास का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 12.2% के आसपास का है। यहाँ पे देखिए अगर आप फेस वैल्यू देखें तो 2 के आसपास का है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलरेडी 5 बार स्प्लिट हो चुका है पहले, अदरवाइज इस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू नियर अबाउट 20,000 के आसपास होती। ठीक है, डेट टू इक्विटी देखिए कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी यहाँ पे कर्ज नहीं है। सिंपल तरीके से क्वार्टरली सेल्स वगैरह देख लेते हैं एक बार को। देखिए क्वार्टरली सेल्स वगैरह यहाँ पे ऊपर नीचे बीच बीच में होते रहते हैं, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देखिए, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें नंबर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बीच में देखिए यहाँ पे और भी अच्छे बढ़े थे बट यहाँ पे घटा था, घटने के बाद इस बार देखिए इस पर्टिकुलर ईयर पे पिछले ईयर से अच्छा करा है कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिख रहे थे बट बीच में यहाँ पे थोड़े से नंबर घटे थे। ठीक है, 1,27,175 करोड़ का मार्केट कैप है, आप समझिए कितनी बड़ी कंपनी है। बैलेंस शीट अगर मैं देखूं, देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के पास 13,518 करोड़ के आसपास का है, बोरिंग्स मात्र 3 करोड़ है जो कंपनी अगर चाहे तो छुटकियों में पे ऑफ कर सकती है। इन्वेस्टर्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए प्रमोटर्स के पास 52% के आसपास की हिस्सेदारी है। FIIs यहाँ पे कंटिन्यूअसली माल इंक्रीज कर रहे हैं पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए 14.68% की हिस्सेदारी थी FIIs ने यहाँ पे रिसेंटली जून 2024 में बाई करा है, 16.16% की हिस्सेदारी हो गई है। DIIs ने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माल बेचा है। ठीक है, पब्लिक के पास यहाँ पे सिर्फ 10.17% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के हाथ से यहाँ पे माल निकलता हुआ दिख रहा है। अभी आप इस चीज को समझिए कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक में 90% होल्डिंग इज कैप्चर्ड बाय द बिगर प्लेयर्स। ठीक है, ये जो सारी कंपनीज होती है ना, ये सारी लीडर कंपनीज होती है। इन सारी कंपनीज का मैं क्या ही बताऊं, मैंने फंडामेंटल बस ऐसे ही आपको एक सिंपल तरीके से आपको एक ओवरव्यू देने के लिए दिखा दिया है। बाकी चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, मेरे हिसाब से ये सारे टारगेट्स आने वाले समय में अचीव हो सकते हैं। मैंने आपको स्विंग के 2 टारगेट दे दिए। तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज डिविज लैबोरेटरीज। बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड को देखिए यहाँ पे लाने का एकदम सिंपल रीजन है। पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे क्या आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर लूंगा, ये हो गया हमारे डेली और ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लूंगा। ठीक है, अब आप इस एरिया को यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये पर्टिकुलर एरिया देखिए, जब यहाँ से पिन पॉइंट रिजेक्ट हुआ, एग्जैक्ट इसी एरिया से रिजेक्ट हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया, एग्जैक्ट इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, यानी कि ब्रेकडाउन के बाद यहीं से रिटेस्ट और प्राइस फॉल। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन कैसा था, ये था हमारा एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये था हमारा एक सपोर्ट एरिया मंथली टाइम फ्रेम का। सपोर्ट मोमेंटम मैनिपुलेशन, थोड़ा सा ऊपर गया, डबल बॉटम बनाया, रिक्लेम, रिटेस्ट, बड़ी रैली। मैंने अक्सर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब भी प्राइस को बड़ा रैली देना होगा ना, प्राइस फॉल करेगा, प्राइस मैनिपुलेशन करेगा। क्योंकि जब तक प्राइस मैनिपुलेशन नहीं करेगा, प्राइस फॉल नहीं करेगा, प्राइस बड़ी रैली नहीं दे पाएगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर चार्ट को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है हमारा, जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2013 से बना आ रहा था, ये अभी यहाँ पे आके ब्रेक हुआ है 2023 में, यानी कि 10 साल बाद इस एरिया का प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ। रीटेस्ट भी अगर आप देखें ना, एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट इसी एरिया पे रीटेस्ट है, और दोबारा जो रीटेस्ट है वो भी एग्जैक्ट उसी एरिया के आसपास ही हुआ है। और मंथली टाइम फ्रेम का अगर आप ये कैंडल देखें ना एक बार को, अगर मैं वॉल्यूम ऑन कर दूं, अभी देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको कुछ खास वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम के बार्स आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी हमें चीजें है ना, कि अब ये हमें टेक्निकली बता रहा है कि इस पर्टिकुलर चार्ट में अब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चार्ट में आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ITC में आने वाले समय में कुछ होने वाला है। और मैं आपको इसमें ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं दूंगा, मैं आपको एक मेजर टारगेट दूंगा
502 पे चल रहा है, मेरा जो मेजर टारगेट होगा वो होगा 700 के आसपास का। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एफएनओ का स्टॉक है, तो एफएनओ के स्टॉक बेसिकली काफी धीरे चलते हैं, ठीक है। और आपको जो स्विंग के दो टारगेट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा वो होगा हमारा पहला यहाँ पे 550 के आसपास का, डेली टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं, ओके 550 के आसपास का। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 600 के आसपास का, ठीक है। और जो मेजर टारगेट मैंने आपको सिर्फ 700 का दिया है, यानी कि 40% तक का मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर कंपनी धीरे 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 करके 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500 भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 10 साल का मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, मैंने आपको टेक्निकल्स बता दिया, चलिए एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आई डोंट थिंक मुझे आईटीसी के बारे में कुछ फंडामेंटल्स बताने की जरूरत है, बट मैं आपको एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा, ओके। हम आ गए हैं, देखिए आईटीसी लिमिटेड के फंडामेंटल के स्क्रीन पे, देखिए 6,27,543 करोड़ के आसपास की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.7 का है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.1 के आसपास का है, कुछ खास ज्यादा यहाँ पे नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 37.5 विच इज वेरी गुड, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.4 ये भी बहुत बढ़िया है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 10 बार स्प्लिट हो चुका है, अदरवाइज इस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू मिनिमम 5,000 रुपए के आसपास होती, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए अगर डेट इक्विटी देखिए इसका भी यहाँ पे 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज है ही नहीं। और ये कंपनी सच बताए तो टोबैको वगैरह में अपनी कंपनी की लीडर है, बस इसके और भी बहुत सारे बिजनेस है जो आईटीसी के आपको अगर आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर्स, होटल, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, बहुत सारी बिजनेस में यहाँ पे आईटीसी ने अपने आपको बांध के रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह पे चलते हैं, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप यहाँ पे देखिए तो देखिए कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है सेल्स, नेट प्रॉफिट भी देखिए ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट में चलते हैं, 74,000 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है, 300 करोड़ के आसपास के कंपनी के पास कर्ज है, जो कंपनी चाहे तो छुटकियों में पे ऑफ कर सकती है। इन्वेस्टर्स अगर आप देखें तो देखिए 40.47% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पे एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास 44.02% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास यहाँ पे मात्र 15.47% की हिस्सेदारी है। यानी कि अगर ठीक ठाक देखें तो यहाँ पे 84% के आसपास की हिस्सेदारी बड़े प्लेयर्स के पास है, और पब्लिक में अगर देखें तो पब्लिक में फिलहाल मुझे अभी कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो अगर आप ध्यान से समझे तो 84% के आसपास की हिस्सेदारी बड़े प्लेयर्स के पास है। मैंने आपको नंबर्स भी बता दिए, मैंने आपको चार्ट भी समझा दिया, ठीक है। तो यही था आज का हमारा सेकंड स्टॉक, दैट इज आईटीसी लिमिटेड। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कोल इंडिया देखिए मैंने 295 के आसपास, ये है वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया था। मैं पहले आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, ये देखिए तो आई होप आप लोगों ने देख लिया। और अगर 295 से देखे तो इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया अभी तक, इसने 80% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। कितने महीनों में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अक्टूबर से लेके जून, यानी कि अगर ठीक ठाक देखे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के अंदर यहाँ पे 80% का रिटर्न दिया है, विच इज वेरी गुड एक्ट से, ठीक है। अब इस चीज को एक बार मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इस चार्ट को अब यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक आप लोगों के सामने क्यों लेके आया हूँ। एक बार मैं यहाँ पे लाइन मार्क करना स्टार्ट कोशिश करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दी, देखिए ये हमारा एक पिन पॉइंट रेजिस्टेंस एरिया था, ये हमारा एक पिन पॉइंट रेजिस्टेंस एरिया था, पर देखिए प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट करा, ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा फॉल किया। सच बताऊं तो मेरे लिए अगर मैं कोई यहाँ पे बाइंग एरिया प्रेफर करता ना, तो ये मेरे लिए एक ऐसा एरिया होता जहां पे मैं बाइंग करना पसंद करता। इसका रीजन देखिए, प्रीवियस एरिया ऑफ सपोर्ट मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक मोमेंटम दिया, ब्रेकडाउन एग्जैक्ट प्रीवियस वाले सपोर्ट पे यहाँ पे देखिए प्राइस ने रिटेस्ट करके फॉल किया, सेम हमारा ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट एंड ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्राइस ने ब्रेकआउट करा, एग्जैक्ट प्रीवियस सपोर्ट को ही वहां पे रिटेस्ट करा, और यही वो बेटर एरिया होता, यहाँ से अगर मैं एक्वायर कर पाता या अगर यहाँ से दे पाता तो और भी बड़े रिटर्न हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स को देखने को मिलता है, ठीक है। बट 80% मिला है, बहुत अच्छी बात है। अभी इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में क्यों लेते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे एक बार मैं चार्ट को लेकर चलता हूँ और चीजों को यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करा, मैनिपुलेशन हुआ, प्राइस ने एक मोमेंटम दिया, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से देखिए फिर एक जो 4 जून का मैनिपुलेशन है ये हुआ, ठीक है।
अभी यहाँ पे और एक चीज हो रहा है, इस तरीके से देखिए ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन से कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। अगर लास्ट मैनिपुलेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक मल्टी ईयर एरिया ब्रेकआउट करता है ना, तो वहां पे मल्टीपल टाइम मैनिपुलेशन होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो रिटेलर्स के साथ उस पर्टिकुलर रैली को एंजॉय करें, वो चाहेंगे कि वो सारे रिटेलर्स से सारे जितने भी माल है वो अपने पास ले सके और उसे वहां पे फिर उसमें प्रॉफिट करने की वो कोशिश करें। वो सोचते हैं जितना हो सके वो रिटेलर्स के हाथ से इन पर्टिकुलर स्टॉक के स्टेक को बटोर लेंगे और उसके बाद वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को रन करेंगे, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर जो मैनिपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, मार्केट में नथिंग इज 100% पॉसिबल, ठीक है। तो अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक को मैं लाने का सिंपल रीजन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट दूंगा, 509 के आसपास चल रहा है मेरा पहला टारगेट होगा, यहाँ पे 550 के आसपास का मेरा सेकंड टारगेट होगा, यहाँ पे 600 के आसपास का। और यहाँ पे भी आपको एक मेजर टारगेट दूंगा, यहाँ का जो मेजर टारगेट होगा वो होगा मिनिमम यहाँ पे 800 के आसपास का। और अगर इसके डेप्थ के अकॉर्डिंग हम मेजर कर लें कि इसके डेप्थ इसने कितना परसेंट का यहाँ पे फॉल करा था, इसने देखिए यहाँ पे फॉल करा था ऑलमोस्ट 74% के आसपास। 74% अगर हम देखें ना, तो ऑलमोस्ट देखिए इस एरिया के आसपास ही आ रहा है, इस एरिया के आसपास आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 800 के आसपास ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर ठीक ठाक यहाँ से मूव करता है ना, तो ये इस एरिया तक डेप्थ के अकॉर्डिंग भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा थर्ड स्टॉक, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। अब मैं आपको इसके एक बार को फंडामेंटल दिखा देता हूँ, चलिए इसके फंडामेंटल की स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो देखिए हम आ गए इसके कोल इंडिया के फंडामेंटल की स्क्रीन पे। देखिए 314,207 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.41 का है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.0 का है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के इस चीज पे जरूर से ध्यान दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक पी रेशियो के अकॉर्डिंग काफी अंडर वैल्यूड है, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से 1500 जाता है ना, तब जाके अपनी ये पी रेशियो के एवरेज के आसपास आएगा, यानी कि इसमें पोटेंशियल बहुत है पी रेशियो के अकॉर्डिंग ऊपर जाने का, ठीक है। ये पहली चीज। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 65.1% के आसपास का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 53.4% के आसपास का है, विच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का है, ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बार भी अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि कंपनी यहाँ पे 5% के आसपास का तो खाली साल का डिविडेंड ही दे देती है, यानी कि अगर आप ये पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करते हैं और स्टॉक धीरे धीरे मूव करता है, तो मूव करके वो जो रिटर्न दे रहा है वो तो वो देगा ही, साथ में आपको डिविडेंड भी मिलेगा। बाकी मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं बोल रहा, आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा और सारा रिसर्च करने के बाद ही आप बाइंग या सेलिंग करिएगा, ठीक है। बट मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वार्टरली सेल्स वगैरह पे चलते हैं, उसके पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाना चाहूंगा। देखिए एनालिसिस का कॉन्स कुछ है ही नहीं, सारी चीजें देखिए यहाँ पे प्रोज ही है। बहुत रेयर आपको ऐसा कोई स्टॉक मिलेगा ना जिसमें यहाँ पे कॉन्स में कुछ नहीं होगा, कॉन्स कुछ है ही नहीं, सारी चीजें प्रो है, ठीक है। क्वार्टरली सेल्स वगैरह पे चलते, देखिए सेल्स वगैरह यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, एकदम नंबर वन कंपनी है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, देखिए पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। इसका रीजन अगर आप देखें ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ने की वजह से भी नेट प्रॉफिट में यहाँ पे फर्क पड़ता है, ठीक है। एक्सपेंसेस यहाँ पे कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी अदर इनकम में थोड़ा सा लॉस होता है, उन सारे वजह से भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देखें, देखिए सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं, एकदम ब्यूटीफुल नंबर वन कंपनी। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली एकदम ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रो हो रहा है। बैलेंस शीट आप यहाँ पे देखिए 76,570 करोड़ के आसपास का है, बोरोइंग्स मात्र 6,000 करोड़ के आसपास का है, जो कंपनी चाहे तो आराम से पे ऑफ कर सकती है। इन्वेस्टर्स अगर आप यहाँ पे देखिए 63.13% के आसपास की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है, FIIs के पास यहाँ पे 8.39% की हिस्सेदारी है, DIIs यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं, FII भी थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं, जो कि इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 0.11% और पब्लिक के पास मात्र 5.21% की हिस्सेदारी है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है ना, इसमें अगर हम ध्यान से समझे तो 95% की हिस्सेदारी तो बड़े प्लेयर्स के पास ही है, यानी कि पब्लिक के पास माल ही नहीं है, पब्लिक के पास ये पर्टिकुलर स्टॉक है ही नहीं। और ये पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, और डेप्थ के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको समझा दिया कि ये मेरे हिसाब से 800 तक जा सकता है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से 60% का मिनिमम रिटर्न दे सकता है। बाकी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये था आज का हमारा थर्ड स्टॉक, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड।
अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है सांधार टेक्नोलॉजीज। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए लाने का यहाँ पे एक सिंपल रीजन है। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलू और डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दू तो ये था हमारा वो पर्टिकुलर डेट 16 नवंबर का डेट जहां पे मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक 449 पे हमारे लर्निंग ग्रुप पे हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा था। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया और यहां से देखिए इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है। यहाँ पे अभी तक इसने ऑलमोस्ट 46% के आसपास का रिटर्न दिया है, यानी कि इसने ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के अंदर 50% के अराउंड आसपास का यहाँ पे रिटर्न दिया है, ठीक है, विच इज नॉट बैड, ठीक ठाक है मैं बोलूंगा यहाँ पे। अभी इस स्टॉक को लाने का यहाँ पे रीजन समझते हैं। एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना इसे इस तरीके से थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझिए, पर्टिकुलर स्टॉक कर क्या रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैं चला गया हूँ, देखिए पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या करा। ये जो हमारे एरिया ऑफ रिजेक्शन था, प्राइस ने एक बार फॉल किया, दोबारा गया, एग्जैक्ट उसी एरिया के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, एग्जैक्ट वहीं से रिटेस्ट, प्राइस ने रिटेस्ट करके देखिए यहाँ से एक मोमेंटम दे रहा है। यानी कि ये क्या है, ये हमारे एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रिटेस्ट, थोड़ा सा साइडवेज, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, देखिए वॉल्यूम के बाहर यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं, देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे 2 वीक से वॉल्यूम आ रहे थे, इस वीक में वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जाएगा। एक बार को हम देख लेते हैं इसने कितने परसेंट का यहाँ पे फॉल किया था। इसने फॉल किया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 71% के आसपास का, 71% ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। एक बार को ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक इतने में ही शॉर्ट नहीं होगा, इसे काफी ऊपर जाना है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको 2 टारगेट यहाँ पे दूंगा। 646 पे चल रहा है हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 710 के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आप 755 का रख लीजिए, और एक मेजर टारगेट मैं आपको देता हूँ यहाँ पे जो होगा हमारा यहाँ पे 800 के आसपास का। तो मैं आपको यहाँ पे 3 टारगेट दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक से। मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक मिनिमम इन एरियाज तक जाना चाहिए जो है हमारा 803 तक का एरिया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे स्विंग के टारगेट वगैरह दे दिया। अब चलिए मैं आपको इसके एक बार को फंडामेंटल दिखा देता हूँ। चलिए इसके फंडामेंटल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं सांधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फंडामेंटल की स्क्रीन पे। देखिए स्टॉक का मार्केट कैप यहाँ पे 3900 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.5 का है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.4 का है। सही बताए तो एवरेज के आसपास चल रहा है, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.0% के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 11.3% के आसपास का है, ये भी ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बार भी अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं, क्वार्टरली सेल्स वगैरह पे चलते हैं, कंपनी की सेल्स वगैरह अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखें ना, देखिए नंबर्स हमें अल्टीमेटली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, बीच में ऊपर नीचे हुए थे, पर देखिए नंबर्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 723 करोड़, 765 करोड़, 829 करोड़, 885 करोड़, 890 करोड़, 918 करोड़ कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए हमें दिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप यहाँ पे देखिए, सेल्स देखिए ईयरली और नियरली बेसिस में कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। बीच में थोड़े से कम हुए थे बट उसके बाद दोबारा से देखिए 4 साल से कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट शो कर रही है सेल्स में। नेट प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बैलेंस शीट पे एक बार को चलते, देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पे 956 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोइंग्स यहाँ पे 741 करोड़ के आसपास का है। अगर कंपनी चाहे तो आराम से अपने डेट को पे ऑफ कर सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर यहाँ पे देखिए तो देखिए प्रमोटर्स के पास 70.38% की हिस्सेदारी है। FIIs के पास यहाँ पे 1.61% की हिस्सेदारी है। DIIs के पास यहाँ पे 16.31% की हिस्सेदारी है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बट यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे FIIs ने यहाँ पे अपने स्टेक को इंक्रीज करा है। सेम वही चीज हमें DIIs में भी देखने को मिल रही है। और पब्लिक के पास मात्र 11.69% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक में फिलहाल मुझे कोई इंडिविजुअल नहीं दिख रहे, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी 90% के आसपास की हिस्सेदारी बड़े प्लेयर्स के पास है। मैंने आपको चार्ट दिखा दिया, मैंने आपको टारगेट दे दिए। तो यही वो चार पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।